भाई कहाँ शिमला? यस घूमने? हाँ एक उत्साह है, कब से मतलब लॉकडाउन में क्या फंसे हुए थे घर पे? एकदम 2 साल से एकदम डिप्रेशन में जा रखा था। अच्छा पर अब ट्रैवल स्टार्ट हुआ है तो अब सही होगा सब? एकदम एकदम अब लग रहा है मौज आ गई। अब मौज आएगी। और ये जर्नी आप पहली बार कर रहे हो? इससे पहले कर नहीं, ये पहले फर्स्ट टाइम है। मतलब नेक्स्ट लेवल है, बिल्कुल बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। शिमला रेलवे स्टेशन, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि टॉय ट्रेन क्यों नहीं है, तो टॉय ट्रेन चली गई है। और पीछे देखो पूरा शिमला यहाँ से। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग और गुड मॉर्निंग फ्रॉम कालका। तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर हमारी लगी हुई है टॉय ट्रेन। तो दिल्ली से हम कालका आए थे ट्रेन में, जो वो जर्नी आपने देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो प्रीवियस ब्लॉग देख लेना। तो ये देखिए टॉय ट्रेन और इधर से कालका के नज़ारे। तो जो इस टॉय ट्रेन का यहाँ से निकलने का टाइम है वो 6:20 है। तो इसका जो टिकट है मैंने ऑनलाइन बुक कर लिया था, आप चाहें तो ऑफलाइन भी ले सकते हैं, पर पूरी फुल हो जाती है इसलिए ऑनलाइन ले लें तो बेहतर है। और जो फेयर है सिर्फ इसका वो है सिर्फ 65 रुपीज़। बहुत सारी और भी डिलक्स ट्रेन है, जो टॉय ट्रेन है आपकी कालका से शिमला जाती है, उनका अराउंड फेयर 700 है। पर आपको तो रास्ते के जो सीन्स हैं उनके नज़ारे, उनका लुत्फ़ उठाना है, इन्जॉय करना है उनको, तो बेस्ट रहेगा आप यही लें। अफोर्डेबल भी है और बहुत अच्छी भी है। तो इस ब्लॉग से एंड तक जुड़े रहना। ये देखिए मोटर इंजन है, तो इस ब्लॉग से एंड तक जुड़े रहना। मतलब बहुत सारी टनल्स हैं बीच में, बहुत सारी वादियां हैं, सबका नज़ारा आज उठाने वाले हैं। ये देखिए कालका, मैं यहाँ पर 3 बजे ही आ गया था और 3 घंटे मैंने इंतज़ार किया है। अभी इसे रवाना होने में 10 मिनट है, अभी रवाना होने में। बीच बीच में हम ऐसे ही इंजॉय करते रहेंगे, पूरी जर्नी दिखाऊंगा आपको। और कमेंट कर देना फेवरेट पार्ट, अगर लाइक भी कर देना वीडियो, अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। देखो लगातार वीडियो आ रही है और लगातार जर्नी ही आ रही है और आपको हेल्पफुल भी है, तो सही रहेगा आपके लिए। तो अपना कोच है D2, बस ऐसे ही इंफॉर्मेशन देते हुए चलेंगे आपको आगे की तरफ। अभी हो रहे हैं टिकट चेक। भाई कहाँ शिमला? यस घूमने? हाँ एक उत्साह है, कब से मतलब लॉकडाउन में क्या फंसे हुए थे घर पे? एकदम 2 साल से एकदम डिप्रेशन में जा रखा था। अच्छा पर अब ट्रैवल स्टार्ट हुआ है तो अब सही होगा सब? एकदम एकदम अब लग रहा है मौज आ गई। अब मौज आएगी। और ये जर्नी आप पहली बार कर रहे हो? इससे पहले कर नहीं, ये पहले फर्स्ट टाइम है। तो देखिए सब जर्नी करने वाले हैं। इधर भी एक ट्रेन आ गई, ये है फर्स्ट क्लास डिलक्स चेयर कार है, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। और जो मेरी है नॉर्मल वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखिए ये है एसी चेयर कार का कोच, तो इतना कोई डिफरेंस नहीं है, इतना पे क्यों करना है। इसका फेयर अराउंड 700 रुपीज़ है और इसका 65 रुपीज़ है, तो ये बेस्ट रहेगी आपके लिए। और जो इसकी टाइमिंग है वो 6:20 है और एक और जो ट्रेन है उसकी है 12:10 12:10 PM। ये देखिए ये लग रही है प्लेटफॉर्म पे।
बीच में बहुत सारे टनल्स भी आपको देखने को मिलेगी। मेरे को पता है कि बहुत सारे टनल्स हैं, पर मैं भी पहली बार जर्नी कर रहा हूँ तो आपको मेरे साथ ही कराऊंगा, तो एंड तक ज़रूर बने रहना इस वीडियो से। फर्स्ट टाइम टॉय ट्रेन में मैं जर्नी कर रहा हूँ। तो ये है नॉर्मल कोच, और डिलक्स वाला कोच भी मैंने आपको दिखा दिया था। बस 5 मिनट बाद अब रवाना हो रही है हमारी शिमला कालका स्पेशल ट्रेन। दूसरा ही कोच है मेरा, और विंडो साइड सीट थी, तो फुल मज़े आने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे हैं, बहुत सारी टनल्स हैं यहाँ पर। शिमला टॉय ट्रेन पहुंच चुके हैं बड़ोग, और इससे पहले धर्मपुर रुकी थी हमारी टॉय ट्रेन। तो यहाँ के नज़ारे आप देख रहे हैं, इतनी सारी टनल भी देखी आपने, और पूरे जितने भी शॉट्स हो पा रहे हैं अच्छे अच्छे, वो मैं सब आपको दिखा रहा हूँ। तो लास्ट तक बने रहना वीडियो के साथ, आपको बीच बीच में रिफ्रेशमेंट भी मिल जाएगी। मतलब नेक्स्ट लेवल है, बिल्कुल बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। मैं तो थोड़ा थक गया हूँ क्योंकि रात को भी जर्नी कर रहा था, और थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया हूँ, पर कोई नहीं, ब्लॉग तो बनाना ही है। आवर्स और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट, मतलब मैं दिल्ली में बात कर रहा था कि इतनी गर्मी हो रही है, पर यहाँ पर तो बहुत ही प्लीजेंट वेदर है। क्या ही कहने इस नज़ारे के। ये देखिए, ये टनल थी बड़ोग टनल, जो कि बहुत बड़ी है।
सो गाइस फाइनली अब पहुंच चुका हूं शिमला रेलवे स्टेशन। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि टॉय ट्रेन क्यों नहीं है, तो टॉय ट्रेन चली गई है। और पीछे देखो पूरा शिमला, यहां से ऊपर से व्यू। तो हुआ ऐसा कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया था और ट्रेन ने बहुत ही सही टाइम पर पहुँचा दिया, मतलब जो एक्सपेक्टेड टाइम था उससे पहले यहाँ पर पहुँचा दिया था। उसके बाद मैंने एक घंटे यहाँ रेस्ट करा, यहाँ बैठा मैं और यहाँ के नज़ारे देखे। तो चलते हैं अब स्टेशन से बाहर, धूप भी है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ऐसा नहीं होता जैसे हमारी सिटी में बारिश होती है, बारिश के बाद एक प्लेजेंट वेदर हो रहता है हर टाइम, बिल्कुल ठंडक रहती है, बहुत ही अच्छी हवाएं चलती है, वैसा ही वेदर है यहाँ पर अभी। गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा फर्स्ट टाइम हिल स्टेशन पर। यहाँ से देखिए पूरा नज़ारा पीछे का, और ये है शिमला रेलवे स्टेशन। आपने पूरी टॉय ट्रेन की जर्नी देखी, होप करता हूँ अच्छी लगी होगी आपको और हेल्पफुल भी थी। पूरा बताया मैंने कि आप भी आ सकते हैं शिमला आराम से इन्जॉय करते हुए। अगर आओ तो टॉय ट्रेन से ही आना, वो बेस्ट रहेगा, इन्जॉय करते हुए आओगे। और बीच में बहुत ही अच्छे अच्छे सीन्स थे, बहुत सारी टनल्स थी, बहुत अच्छी हवा चल रही है, मतलब इस वेदर से सेटिस्फाइड हूँ कि बहुत सही है अभी के लिए वेदर। तो ठीक है फिर एंड करते हैं आज का व्लॉग यहीं पे। लाइक कर देना वीडियो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ऐसी अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो हेल्पफुल वीडियो लगातार आती रहेगी और आ रही है। और भाई कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि आप एक कमेंट कर दो ना मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, एक कमेंट ज़रूर कर देना भाई। कल रात को तो ढंग से मैं सोया भी नहीं, 3 बजे वहाँ उतारा ट्रेन ने कालका, फिर उसके बाद 6:20 से कालका से शिमला टॉय ट्रेन थी अपनी, जैसे आपने सारा देखा ही है मेन जो शिमला में आपने देखा होगा। ये देखिए उधर टॉय ट्रेन उधर लगी हुई है, सो ठीक है गाइस। अगर आपको प्रीवियस व्लॉग देखना है तो लेफ्ट हैंड साइड में क्लिक कर सकते हो, यहाँ व्लॉग है और दिल्ली टू कालका वाला व्लॉग देखिए, आराम से एंजॉय करिए। और अगर आप केदारनाथ धाम दर्शन करना चाहते हैं घर बैठे बैठे, या तो ट्रिप प्लान कर रहे हैं वहाँ की बजट ट्रिप, तो राइट हैंड साइड क्लिक करके केदारनाथ धाम के व्लॉग देखिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय। यहीं शिमला में सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, इन्जॉय करेंगे एक साथ। ये देखिए हवाएं देखिए, बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा है।